अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं रहमान असर और वक्त हो गया है हेडलाइंस का। एशिया कप में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। जीत के लिए 327 रन का हदफ। मेजबान मुल्क ने किसी भी मुल्क के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से हुकूमती कमेटी के अराकीन की मुलाकात। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल तय करने पर गौर किया जाएगा। सानिया इस्लामाबाद में तमाम अफराद की मौत गोलियां लगने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमलावरों के जिस्मानी अज़ा के नमूने डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। खुर्शीद शाह का कहना है कि दहशतगर्द कार्रवाई करके चले गए, हुकूमत तालिबान से हमलावरों का पूछ रही है। एतजाज एहसन कहते हैं इदारत दाखिला तक अभी तक हमलावरों की तादाद नहीं बता सकी। अल्ताफ हुसैन का हुकूमत से दहशतगर्दी के वाकयात की फौरी तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं तालिबान के यकतरफा बयानात और दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। दुनिया न्यूज ने पार्लियामेंट लॉजिज में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के दुरुस्त नाम नशर किए। जमशेद दस्ती की तस्दीक। इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। बाहर आते ही बदल गया लाहौर का रंग। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात और फन हो गए संग संग। कैसी करी करी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहार, छोरा गंगा किनारे बाल। और उनकी आंखों से बचकर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। प्रियंका ने शाहरुख के मोहल्ले में घर ले लिया।